नमस्कार, वेलकम टू द न्यूज रडार। और आप सभी के साथ मैं प्रतिमा राणा। बात करेंगे भाजपा की। भाजपा की लहर जो है वो आपको देखने को मिल रही है, ना सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे भारतवर्ष में। हर जगह पे भाजपा के ही नारे जो हैं वो लग रहे हैं। तो लग रहा है कि भाजपा अब पहले नंबर पे कहीं ना कहीं अपनी छाप जो है वो आम जनता के दिलों में छोड़ चुकी है। आज हमारे साथ जिलाध्यक्ष सचिन शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे भाजपा का जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, क्या कुछ रणनीतियां हैं उन चीज़ों को लेकर के। क्योंकि जब बात करें ग्राउंड लेवल पर, तो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता जो होते हैं और उनसे जुड़े जो लोग होते हैं, उन्हें जो है पता होता है कि क्या कुछ कार्य जो है वो पार्टी का होने वाला है। सर सचिन जी, पहले तो मैं बात करूँगी कि साफ दिख रहा है कि भाजपा आ रही है, क्योंकि वो जैसे मैंने बोला भी कि ना सिर्फ धर्मशाला बल्कि पूरे भारतवर्ष में लहर जो है चल पड़ी है। क्या मुद्दे रहेंगे फिर? प्रथम आपका धन्यवाद कि भाजपा जीत रही है, बहुत खुशी की बात है। और हिमाचल में हम तीसरी बार 4-0 से जीतने वाले हैं। और जैसा कि आपने कहा कि लग रहा है कि भाजपा जीत जाएगी, निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है, और जो मोदी जी ने एक लक्ष्य दे रखा है हमें कि 10% वोट शेयर इंक्रीज करना है, उसी के लिए हम आम जो मतदाता है उसको जागरूक कर रहे हैं, मोदी जी की नीतियों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस बार हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और फिर से हम 4-0 करने वाले हैं। बात करेंगे जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, उनका क्या मेन मोटिव है? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बैक टू बैक रैलियां हो रही हैं, और उसी की कुछ तर्ज में भी कांग्रेस ने भी अपनी पार्टी में भी उस तरह का कुछ तर्ज किया, जैसे घर आओ गांव आओ वाले जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो भाजपा ने ही कहीं ना कहीं पहले शुरुआत करी थी, उस तर्ज में अब कांग्रेस भी आई है। तो उसको लेके से जो प्रोग्राम चलते हैं उनको लेके क्या कुछ रहता है? ये 24/7 कार्य करने वाली हमारी संगठन है, और जिस तरह से मोदी जी अपना सर्वस्व देते हैं और जिस तरह से वो अपना मैक्सिमम समय संगठन के लिए, सरकार के लिए देते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिलती है। और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को भलीभांति जानता है और परिचित है कि अगर भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना है, महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें समय देना पड़ेगा और जो मोदी जी की नीतियां हैं उनको धरातल पर ले जाना पड़ेगा। ये रैलियां, ये प्रोग्राम इसी के लिए हैं कि जो मोदी जी की नीतियां हैं वो धरातल तक पहुंचे। तो ये तो रही नीतियों की बात, लेकिन धर्मशाला में क्यों हारे फिर? देखिए, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं है, या तो जीतती है, सीखती है। हमने सीख ली है किन कारणों से हम हारे हैं। और आपको पता है कि जो झूठी गारंटियां दी गई, प्रलोभन दिए गए, उनके जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट की गई, उससे हम हारे। अदरवाइज अगर ये झूठे वादे कांग्रेस सरकार ने ना किए होते तो हम फिर से शासित होते। बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, नगरोटा की। सर, उसके लिए क्या रणनीति है? देखिए, नगरोटा आप उसका जरा इतिहास खंगालिए तो वो मोर और लेस कांग्रेस का गढ़ रहा है। फिर भी अरुण मेहरा जी ने, जो कांग्रेस के दिग्गज थे, जीएस बाली जी, उनको हराया। और इस बार के चुनावों में आपने देखा कि 1500 रुपये महिलाओं को देने उनको दे दिए गए। 1500 एक फॉर्म भरवाया गया और 1500 रुपये दिए गए, परंतु उस 1500 की पहली किस्त उन्होंने दे दी, परंतु अभी 14 किस्तें पेंडिंग हैं। तो जनता को भरगलाया गया, जनता को धोखा दिया गया, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए कि हमने सत्ता में आना है। और भाजपा का एक बड़ा सिंपल सा थीम है कि भाजपा के लिए सत्ता एक साधन है, साध्य नहीं है। हम सत्ता को समाज सेवा का एक साधन मानते हैं। बात करेंगे, अभी कुछ दिनों पहले ही जो है जेपी नड्डा जी की रैली होती है, बहुत अच्छा लोगों का वहाँ पर रिस्पांस जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसके होड़ जो है वो कहीं ना कहीं लग गई है प्रत्याशियों के, उसके लिए क्या लगता है? एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हर कोई अपना उद्देश्य रख सकता है कि मैं पार्टी के लिए लड़ना चाहता हूँ, परंतु तय करना हाईकमान का काम है। और मुझे पता है एक बार हाईकमान तय कर देगा कि ये फलां व्यक्ति प्रत्याशी है तो सब लोग उसके लिए जुट जाएंगे। उसके बाद मैं आपसे लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अगर बात करें तो उनके कार्यक्रम जो हैं अभी कम जो हैं वो देखने को मिलते हैं, कोई नाराजगी? कोई बात नहीं है, ये एक भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। जयराम जी हमारे प्रदेश के नेता हैं, उनका हर जगह प्रवास होता है और आने वाले समय में हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले में निश्चित रूप से जयराम जी उसमें आएंगे। जी, जिस तरह से शाहपुर की बात करें तो वहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनके ऊपर एलिगेशंस लगे और वो सीट भी गई, तो उस एरिया को कैसे कवर किया जाएगा? देखिए, वो लगातार मंत्री भी रहीं, विधायक भी रहीं, तो कई बार एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो जाती है, परंतु वहाँ पे हमारा संगठन वैसे मजबूत है। हमारी जितनी भी रैलियाँ हुई, जितने हमारे कार्यक्रम हुए, उसमें हमें पूर्ण सहभागिता शाहपुर मंडल की मिली है।
तो निश्चित रूप से जो कमियां हैं उनको हम देख रहे हैं, उनको पाट रहे हैं और हमारा संगठन वहां से फिर से मजबूती के साथ खड़ा है। कांगड़ा से ही अगर बात करें तो सरकारें बनती आई हैं बोलते हैं, क्योंकि यही एक पूरा एरिया है जो पॉलिटिकली बड़ी स्ट्रांग है। आपको यहाँ पर कार्य करने का मौका मिल रहा है, आप अपने आप का जब को रोल पूरा जब को है उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं संगठनों में काम करता आया हूं। मैंने 1993 में विद्यार्थी परिषद में रहा और लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों पर रहा। प्रांत का उपाध्यक्ष रहा, जिला प्रमुख रहा, नगर अध्यक्ष रहा, विभाग संयोजक रहा। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मेरे पास दायित्व रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, जिला महामंत्री और वर्तमान में जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला और बहुत सारे लोगों से सीखने का अवसर मिला। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो रोल मुझे पार्टी ने दिया है उसमें मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ और खरा उतरूंगा। मेक श्योर टू प्रेस लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़ रडार।